पानी है कि कूलेंट है समझ नहीं आ रहा। ज़्यादातर तो पानी है, कूलेंट तो है ही नहीं। कूलेंट होगा 30-40% कूलेंट दिख रहा है, बाकी तो पानी है। ये सब का टेंशन मेरे को पता था, सब ओरिजिनली जाएगा करके ये सब मैं बाहर से करवा रहा हूँ। अभी बस कितना 750 मीटर जाना और यहाँ पे जाम लग गया फोकट का। यहाँ पे ये भाई लोग हैं ना, इधर ये दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो ये लोग ना अभी ऐसे ऐसे करेंगे। अभी अब गाड़ी बढ़िया लग रही है, वेलकम ना, थैंक यू। तब क्या अपन अपने धुन में थे करके सॉरी बता रहा, टोटल 12 का मेरा 12,500 रुपये मेरे गए। अब भाई इसमें सिर्फ ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, 3 फिल्टर गए, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और क्या अंदर AC। ये देखो सब सेट कर दिए, इंस्पेक्शन 10,000 किलोमीटर में रहेगी और नेक्स्ट ऑयल चेंज और सर्विसिंग 15,000 किलोमीटर में रहेगी, और ये नहीं तो दोनों एक साल। वेलकम बैक टू द चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। अभी अब देख ही रहे भाई क्या गर्मी है भाई, भयंकर तेज धूप है एकदम। और मेरे को जाना है रायपुर क्योंकि गाड़ी का सर्विसिंग करवाना है मेरे को, क्योंकि ये गाड़ी कहीं जाने वाली है। मतलब अब तब मैं ये बता दिखा दे रहा हूँ, ये देखो 6,000 किलोमीटर या 14 दिन, तो 14 दिन में तो सर्विसिंग करवानी है। मैं बोला 14 दिन में नहीं करवा तो क्या होता, उससे पहले करवा लिया जाए। तो अभी मैं जा रहा हूँ रायपुर। अब थोड़ा सा आपको ना ये रहेगा कि अरे ये कैसे यहाँ से करवा रहा है। एक्चुअल में मैं ना बाहर से सर्विसिंग करवा रहा हूँ किसी कारण से, और इस चीज़ का टेंशन नहीं है मेरे को हिस्ट्री का, क्योंकि भाई गाड़ी तो सब कितनी चली क्या चली हो तो यूट्यूब पे ही, तो मेरे को उस चीज़ का टेंशन नहीं कि सर्विस रिकॉर्ड ख़राब होगा या कुछ होगा। 33,215 किलोमीटर चली है तो उस चीज़ का मेरे को टेंशन है नहीं, और ऐसे भी सब मैं ओरिजिनल पार्ट्स ही और ओरिजिनल चीज़ें ही डलवा रहा हूँ तो उस चीज़ का टेंशन है नहीं। बाकी वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों करवा रहा हूँ बाहर से और क्या है। क्या लौंडे आज कल गाड़ी, यहाँ गाड़ी धूप उधर पड़ता है, यहाँ छाव पड़ता है। हाँ वो आंटी के पहले मैं गाड़ी लगा दिया। हाँ आंटी गाड़ी वहाँ रखी है बाजू में अपनी जगह पहले। फ्रेंड मिल गया था तो मैं उससे थोड़ा बात बात करने लग गया। अब बस निकला हूँ और अब आप तो जानते हो रायपुर इतना अप डाउन हो जाता है कि रायपुर का रास्ता क्या ही दिखाऊँ। थोड़ा दिख गया तो दिख गया, क्योंकि इतना रेगुलर आजकल आना जाना हो गया है ना कि क्या ही बोला आदमी। एक ही एक रास्ता दिखाने में भी मज़ा नहीं आता। हाँ तो मैं ये बता रहा था आपको कि गगन भी ऐसे कुछ रीज़न की वजह से मैं करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि शोरूम में करवाने से कोई दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरे को एक फॉर द कंटेंट, यू नो कैसा क्या होता है बाहर और शोरूम में क्या चीज़ें होती हैं। शोरूम में तो मेरे को पता है क्या होती है, शोरूम का एस्टिमेट भी पता है 30,000 अराउंड, अप्रोक्स 27 से लेके 33 के बीच में होता है। मतलब एज पर आपकी गाड़ी में क्या मतलब क्या नीड है क्या नहीं है उस हिसाब से। मेरी तो जनरल होती है, मेरी गाड़ी चलती नहीं इतना तो इतना खर्चा होता नहीं, मतलब वो जनरल सर्विसिंग में ही आ जाती है। तो अब देखते हैं आफ्टर मार्केट सर्विसिंग और जो आपकी क्या बोलते हैं यार शोरूम की सर्विसिंग, कंपनी सर्विसिंग, उसमें कितना फ़र्क है, क्वालिटी में भी कितना फ़र्क है। लेट्स सी क्या होता है। बापू बोलता है कि भाई करवा के देख ले अपने को क्या, मतलब ठीक है चलो अब आप बोल दिए तो फिर क्या ही लोड है। पहुँचते दबते जल्दी से, एक तो आजकल जिम जाना शुरू किया हूँ तो ऐसे ही शरीर इतना दुखता है ना कि पूछो मत भाई, और गर्मी तो अलग।
साला रायपुर जाओ तो ट्रैफिक मिले ना, ऐसा हो ना। 10 किलोमीटर बस चलाऊं, देखो 10 किलोमीटर बस चलाऊं बस ट्रैफिक साला। जब जहाँ से चले जाएंगे कहीं और घूमने फिरने तब बनेगा लग रहा है यहाँ के रास्ते। एक तो मेरा गला इतना दर्द दे रहा है, नहीं पता क्या खा। मैं खाया था दाल मखनी राइस, उसके बाद से जो गला पकड़ा है मेरा भाई, हालत खराब हो गई है। बस कितना 750 मीटर जाना और यहाँ पे जैम लग गया फोकट का। यहाँ पे ये भाई लोग है ना, इधर ये दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो ये लोग ना अभी ऐसे ऐसे करेंगे, अभी अब गाड़ी बढ़िया लग रही है बोल के हमने थैंक यू, तब क्या अपन अपने धुन में से करके सॉरी तब ध्यान नहीं था मेरा करके, मैं ध्यान नहीं दे पाया तुरंत उन लोग पे, बाद में ध्यान दिया, सब चिपका चिपका के निकल रहे साला। भाई आ गए हैं अब अपन भैया, क्या मैं हमेशा ये गली ले लेता गलती से, ध्यान में ही नहीं रहता है हमेशा। ये सामने में है एक मंदिर है इधर चर्च, और ये चर्च उसके पीछे में है ये, तो ये रास्ता ऐसा नहीं है, मैं गलत रास्ते से हमेशा आ जाता हूँ बाई मिस्टेक। चढ़ जाएगी ये दाल यहाँ है, देख रहे जन्नती गाड़िया ही गाड़िया, BMW है। तो इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है, Porsche 2 है कहा, ये गाड़ी कहाँ वहाँ पे चिंतन सोलंकी लिखना ना, SOLNK ठीक है, KI हाँ भिलाई भिलाई लिख दे, भिलाई Sector 10 चलेगा। A3 हाँ A3 पेट्रोल नंबर GJ अभी क्राइम रेट में चढ़ाएंगे जो भी है देखते हैं। कुछ लिस्ट तो बना के दिया है, तो नॉर्मली फिल्टर्स चेंज होने ही होने, ऑयल चेंज होना है, जब गियर ऑयल में तो डाउट करना है कि नहीं करना है, ये लोग तो बोल रहे नहीं करना है, 60,000 में करना, 33 चली है देखो। सर भाई लिफ्ट में तो चढ़ गई है ये, इसको अगर मैं निकाल के स्ट्रेट पाइप कर दूं क्या पटाखे मारेगी गाड़ी, ताकि नीचे तो सब सही लग रहा है मेरे को देख के। नहीं ये एक टूटा है प्लेट, यहाँ टूटी है इधर नहीं है ना, हाँ इधर प्लेट टूटी है, और उल्लू बताएगा बाकी क्या है। उल्लू ये टूटा है ना, हाँ भैया है ना, क्या निकल रहा है अंदर से, कुछ टूटा फूटा तो नहीं है ना भाई। ये अभी अभी आवाज आया था, आ रहा था तो पत्थर पत्थर निकल रहा है बड़ा बड़ा। इसमें यह हल्का सा लीकेज है, एक किस चीज का लीकेज यही कहोगा, ये ड्रेन करते वहां से, बाकी तो कहीं लीकेज दिख नहीं रहा है, बाकी तो लीकेज है नहीं। अब देखो
निकाल रहा है, कितना कूलेंट निकलेगा मेरे को तो ये तो पता ही नहीं। पानी है मतलब टॉप ऑफ ज्यादा पानी कर दिया। निशान नीचे रखो ट्रेन और गाड़ी थोड़ा नीचे करो, ऊपर का रिजर्वर चेक करो। पानी अभी कूलेंट का समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा तक पानी है, कूलेंट तो है ही नहीं। कूलेंट होगा 30-40% कूलेंट दिख रहा है, बाकी तो पानी है। पहला तो अपना भाई एयर फिल्टर निकाल दिया है और एयर फिल्टर का हालत बिल्कुल ख़त्म ही है, ये तो पूरा ही ख़त्म है। उल्लू ये तो ख़त्म है ना, पूरा ख़त्म है ना पूरा ये। नहीं नया ही डालेंगे, चली कितनी है, चली नहीं है ना ज़्यादा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9,000 किलोमीटर चली है साल भर में। हाँ नहीं करना ही है, अभी एसी फिल्टर भी निकाल रही थी, एसी फिल्टर भी खत्म है। ये तो खत्म होना चाहिए, देख रहे क्या क्या कुछ है। ये पता पूरा हैरी का बाल है इसमें, इसमें हैरी के बाल भी है। और इसको वापस लिफ्ट चढ़ा रहे, देखते हैं अब और क्या होगा। एक तो ना मेरी आवाज़ इतनी बैठ गई है, क्या बोल, थोड़ा गले में खुजली टाइप का भी हो रहा है अब तो। नहीं पता क्या थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, क्या हुआ है समझ नहीं आ रहा। जाऊँगा मेडिकल, आयुष को बोलूँगा आयुष भाई दे दे भाई दवाई। अपन ज़रूरत नहीं है ना, अच्छा देख भाई देख। गगन भैया थोड़ा सामान लाओ ना यार, इन लोग को ऑयल वॉयल निकालने का काम आए है। गगन भैया ऑयल तो निकल ही गया है, और फिल्टर ऑयल फिल्टर फ्यूल फिल्टर यही सब चेंज कर रहा हूँ। मैं कितने बजे आया हूँ, मैं आया हूँ 1 बजे, आधे घंटे में इतना काम हुआ है, ऐसा लग रहा जल्दी हो जाएगा। भाई इसका टायर तो ख़त्म ही है सामने का, ज़्यादा बचा नहीं है। और ये भी वैसी हाल है, ओरिजिनल टायर ही है सारे तो। और देखो बीच की ये वाली पट्टी घिस गई है, ये क्रैक व्रैक फट तो गए ही हैं। ये देखो और कहीं तो बबल भी आया ऐसा है, ये देखो ये बबल है ना। हाँ ये देखो ये नॉर्मल है, ये फुल गया है। इस तरह भी चेक कर लिया जाए, नहीं बे बबल नहीं है, सेम ही है शायद। ये देखो सब टायर भी ख़त्म ही है, टायर नया डालेंगे। टायर की जगह एलॉय नया डाल दिया जाए क्या, सोच देखते हैं इसका करते हैं कुछ। तो
ऑयल फिल्टर आ गया ओरिजिनल वॉक्सवैगन वाला ही है। ये देखो निकल जाए टर्की ओरिजिनल वॉक्सवैगन का, तो इसलिए सब मेरे को टेंशन नहीं है, ये सब का टेंशन मेरे को पता था सब ओरिजिनल ही जाएगा करके, ये सब मैं बाहर से करवा रहा हूँ। सो अभी वही हम लोग को टाइम लग रहा था, मतलब गाड़ी का काम हो रहा था, तो मैं बोला कि चलो बीएल लोग के साथ घूम के आ जाए, कोई एक दो गाड़ियाँ देखनी थी इनको, तो मैं बोला चलो बैठ जाता हूँ गर्मी में, वहाँ पे भी करूँगा क्या, बोला चलो जा के आया जाए बीएल लोग के साथ, तो गगन बीएल लोग के साथ जा रहा हूँ, तो इनको कुछ गाड़ी वाड़ी देखनी, तो बोले कि चल घूम के आते, गाड़ी का काम होते रहेगा, जाने के बाद तो देखे देख लेंगे क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। सो वही है, गाड़ी वाड़ी देखने आए थे, तो मैं बोला चलो घूम के भी आते, कई करेंगे गर्मी में। मैं कलर देख रहा, बहुत सुंदर कलर है, बस यही है भैया लोग यहाँ देख रहे हैं गाड़ियाँ, तो यहाँ हो गया तो बस निकल रहे हैं, और ड्राइवर को कैश पेमेंट दे देना। ये गाड़ियाँ देख रहा, अच्छी अच्छी गाड़ी पड़ी हुई है, ये क्रेटा ना, ये वाली आते ही गाड़ी वाड़ी रेडी है, सब कर दिया है, स्कैन से कर दिया, ये मैं भी लगाया हूँ वरना। गाड़ी का काम हो गया, 9,500 का बिल बना, और मेरा पोलो का ना पुराना बना था, टोटल 12 का मेरा 12,500 रुपये मेरे गए। अब भाई इसमें सिर्फ ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, तीन फिल्टर गए, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और क्या अंदर एसी वाला जो फिल्टर आता है वो, और इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ है, और पूरा कूलेंट नया डाला क्योंकि कूलेंट पूरा पानी पानी था वही देखे, और हम लोग बाहर चले गए थे तो बीच का वीडियो नहीं बना पाया, तो ये सारी चीज़ें बस इसमें हुई है, क्योंकि इसमें अभी गियर ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, भैया जैसे बोले गाड़ी चली नहीं है बोल के, तो ज़्यादा कोई मेजर काम नहीं था इस सर्विसिंग में, और बेल्ट वेल्ट भी चेक कर लिए, और टाइमिंग चेन का भी कुछ, तो ऐसा कोई भी आवाज़ नहीं, गाड़ी चली नहीं है तो क्या ही आवाज़ है। सो बस वही है, तो मात्र 9,000 का बिल बना है मेरा, और ऑयल भी जो कंपनी बोलती है वही ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर और एयर फिल्टर सब ओरिजिनल वॉक्सवैगन का ही है, सो कुछ भी मेरा अलग से गया नहीं है। इसमें ऑयल फिल्टर वॉक्सवैगन का गया है, और बाकी दो फिल्टर अलग गए हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है उससे, अच्छी क्वालिटी का डला है, तो मेरे को उतना कोई टेंशन नहीं है इसके लिए, बस ये इसलिए इतना बड़ी इतना ही बिल बना है, बाकी तो इसमें कुछ खर्चा हुआ नहीं है, वॉशिंग वॉशिंग हो गई है, पॉलिश वॉलिश करवाया नहीं हूँ मैं, क्योंकि सिरेमिक तो हो ही रखी है, देख ही रहे हो चमक, बस अब बस निकलूँगा, बाकी यहाँ पर भी मस्त, अब थोड़ा जाके ना मौसम ठंडा हुआ है, अभी एक घंटे ही रहना है, भैया से कुछ कुछ बात करूँगा गाड़ी से रिलेटेड, उसके बाद फिर मैं निकलूंगा। चलो भैया मिलते हैं, जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, चलो बोलने से गाड़ी चालू हो जाता है जैसे। नहीं नहीं नहीं, वो चाबी से। अच्छा चलो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ और जा रहा हूँ मैं। हाँ जा रहा हूँ, ओके भाई मिलते हैं, है ना। हाँ बोल दिया बस रात तक, हाँ दे दिया रात को फोन करके, रात को हाँ ठीक है चलो ओके। वही जब निकल रहा हूँ मैं, जाऊँगा चतुर्वेदी से मिलूँगा अपने हैदर से, फिर निकलूँगा घर की तरफ। तो ये आप मक्खन हो गई भाई मेरी गाड़ी, अब बस बढ़िया से घूमेगा मैं। इसमें ये आता है कि सर्विस इंटरवल कितने कितने समय में कराना है, तो ये देखो सब सेट कर दिए, इंस्पेक्शन 10,000 किलोमीटर में रहेगी, और नेक्स्ट ऑयल चेंज और सर्विसिंग 15,000 किलोमीटर में रहेगी, और ये नहीं तो दोनों 1 साल में, तो कोई लोड ही नहीं अपने को, तो है ना,
सब सेट कर दिया बढ़िया से गाड़ी में भी, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि मक्खन चल रही है एकदम बढ़िया। सो अपना अच्छे काम में कम में बम, और जो ग्रेड आता है इसका 5W30 वही गया है इसमें, 0W30 या 5W30 तो ये वाला इसमें गया, तो कोई लोड नहीं, कैस्ट्रॉल का ऑयल गया है। अभी जा रहा हूँ मैं मरीन ड्राइव, बस इसमें ये है कि इसमें एप्पल कार पे एंड्रॉयड ऑटो होता है मज़ा आ जाता मेरे को, टेंशन ख़त्म हो जाता मैप का। ठीक है कोई बात नहीं, कुछ इतना सब कुछ वही है, मैप तो मोबाइल में भी चल ही जाता है। साला ट्रैफिक मोड़ लोगे डायरेक्ट ही मोड़ देता हूँ। ये इधर आया है तो उसके साथ अभी बस गेड़ी मारने निकला हूँ, यहाँ खड़े करते हैं मरीन ड्राइव पे, और अभी गेड़ी मारने निकला हूँ इसके साथ। भाई इतना ज़्यादा थक गया हूँ ना, और मेरे को इतनी नींद आ रही है ना कि ब्लॉग करने का भी मन नहीं कर रहा है। हैदर से भी वही बात कर रहा था मैं, और हम लोग ऐसी थोड़ी बहुत बातचीत की, मरीन ड्राइव पे बैठे फिर कहेंगे सॉरी। अब देख रहे हो कितना ज़्यादा थक गया, ऊपर से क्या थोड़ा गला भी दर्द दे रहा है तो वो अलग है, थोड़ा सा तबीयत भी आजकल क्या थोड़ी डाउन डाउन चल रही है, वीकनेस टाइप का है, एक्सर्शन ज़्यादा हो जा रहा है ना, गर्मी भी आ गई है, तो बस वही है। अभी बस थोड़ी देर में घर, कितना बज रहा है 9 बज रहा, और आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, फिर जाके ना सो जाऊंगा, मतलब इतना हालत ख़राब है मेरा अभी। उड़ते फुड़ते गिरते पड़ते अभी घर पहुंचा हूँ, एकदम ना चेहरा देख ही रहे हो कैसा थक थक गया, क्योंकि गर्मी इतनी थी आज दोपहर में 38 के आसपास पे थी वहाँ पे, और ऊपर से टीना भी ना, कूलर नो डाउट था बट फिर भी थोड़ा सा वो रहता है ना, गर्म तो गर्म रहता है, ये इसका रहता चलता रहता है, तो वही तो सर से इतनी गर्मी है, फिर यहाँ वहाँ जाना कर एसी गर्म ऐसे कर एकदम हालत पस्त हो गई। देखो डांस ऐसा हो गया, बाप रे बाप, बस अब सोऊंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा फिर अब सोऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय। बाकी आफ्टर मार्केट आप सर्विसिंग करवा सकते हो, कोई लोड नहीं है, अगर आपकी गाड़ी वारंटी आउट और ऐसा अच्छी जगह से करवाओगे, अच्छे पार्ट्स डलवाओगे, OEM पार्ट्स डलवाओगे तो कोई इशू नहीं है। हाँ अगर उल्टे सीधे पार्ट्स डलवाओगे तो यार लोकल लोकल ही रहता है, कुछ भी बोलो ओरिजिनल ओरिजिनल ही रहता है, ओरिजिनल से बेस्ट आता है। अगर परफॉर्मेंस वाला ऐसा कुछ डलवा रहा है तो फिर तो वो तो अलग ही बात हो गई फिर तो, बट फिर भी अगर ओरिजिनल से सस्ते सस्ते के चक्कर में बच जा रहा, हाँ ये कि वही पार्ट्स अगर आप कम में लगवा रहे हो तो आप बिल्कुल लगवाओ, बट बाकी ऐसे मत करना, तो वही है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बोलो हरी बाय 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 बाय।